तापसी पन्नू, प्रतीक बब्बर और अनुभव सिन्हा का इंटरव्यू फिल्म मूल के लिए। जब से तापसी पन्नू से पूछा गया कि कैसे मुल्क लोगों के दिमाग को बदलने में योगदान दे सकता है, तो अभिनेताओं ने कहा कि इनका इरादा प्रचार का बिल्कुल नहीं था। शुक्रवार को रिलीज होने वाले इस फिल्म में ऋषि कपूर, प्रतीक बब्बर, रजत कपूर, आशुतोष राणा और नीना गुप्ता भी है। ऋषि जी दिमाग में आए तो स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद सबसे पहले तापसी को पढ़ाई थी मैंने, उसके बाद ऋषि जी को, और थैंकफुली जितने भी एक्टर्स को मैंने अप्रोच किया अलग अलग रोल्स के लिए, वो सब इस फिल्म को करने को तैयार हो गए। ऐसे में फिर आमतौर पे ये परेशानी कभी कभी आ जाती है जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं। और आई थिंक ये बचपन में सिखाया जाना चाहिए और हैमर की तरह उसको हैमर करना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, और जो कुछ भी हो आपको सही ही करना है। तो आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये अंग्रेजी में कहते हैं वी कैन ब्रिंग द वाटर टू द हॉर्स बट देन इट्स अप टू द हॉर्स टू ड्रिंक दैट वाटर, सो एक सेल्फ विल की भी बहुत ज़रूरत है। आरती मोहम्मद कैरेक्टर का नाम है, अब नाम ही इतना इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त लगता है मुझे। एक ऐसा कैरेक्टर है, एक हिंदू लड़की है, आरती नाम है उसका, जो हिंदू फैमिली में पली बड़ी हुई, lawyer by profession, and she falls in love with a Muslim guy, gets married, but this is not part of the story. The story begins when usko aana padta hai apne in-laws ko milne, wo aati hai celebrate karne unke sath, just visit karne London se, kyunki wo wahan pe London mein rehti hai, to aati hai jab India Banaras apne in-laws ko milne, us samay ye kuch hadsa ho jata hai family ke andar, jiski wajah se entire family ko doshi karar kar diya jata hai, and because she's a lawyer and because she loves her in-laws and she's proud of them, she stands for them and fights their case. So ये है basically आरती मोहम्मद, एक हिंदू लड़की जिसमें सच और झूठ और सही और गलत को परखने की नज़र है, और जिसके लिए ये ज़्यादा मायने रखता है क्या सही है या गलत, rather than the religion।